जहां पूरे देश में किसानों की धान की फसल पककर तैयार हो गई है, जिसे लेकर सरकार धान खरीद टोल सेंटर खोल दिए गए हैं। वहीं जनपद उधम सिंह नगर के जशपुर में भले ही सरकारी क्रय केंद्रों ने धान की खरीदी 1 अक्टूबर से शुरू कर दी है, लेकिन किसानों के चेहरों पर मायूसी नजर आ रही है। आपको बता दें, जशपुर में खाद्य विभाग ने 1 अक्टूबर से क्रय केंद्रों पर किसानों से अनाज की खरीदारी शुरू कर दी है। मंडी परिसर में किसानों की सुविधा के लिए 3 क्रय केंद्र बनाए गए, जबकि पूरे जशपुर में 20 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। किसान अपनी फसल निजी काश्तकारों और निजी राइस मिलों को छोड़कर सीधे मंडी लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों की अनदेखी के चलते किसान अपने आप को असहाय और बदहाल सा महसूस कर रहे हैं। वहीं खाद्य अधिकारी विष्णु प्रसाद त्रिवेदी का कहना है, इस बार मंडी परिसर खाद्य विभाग से 3 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें पिछले 2 दिनों में 346 क्विंटल धान खरीद की गई है। इस बार किसानों को धान सुखाई के लिए फड़ की व्यवस्था कराई गई है। गंदे धान की उड़ाई के लिए निशुल्क पंखे की व्यवस्था भी कराई गई है। इसके साथ ही किसानों को रुकने में बैठने की भी सुचारू व्यवस्था है। भीषण गर्मी में किसानों को पानी पिलाने के लिए भी कर्मचारी तैनात किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मान किसानों की फसल अच्छी है, धान की फसल में किसी प्रकार का रोग न लगने से किसान काफी खुशहाल नजर आने की बात कही है। वहीं किसानों की कृषि उत्पादन मंडी समिति किसानों को बेहतर सुविधा देने की भले ही लाख दावे कर किसान नेताओं को लुभाने में लगी हो, लेकिन हकीकत का सारा नजारा उस वक्त देखने में आया जब किसान अपनी फसल को लेकर मंडी पहुंचे और मंडी परिसर में लगे तो सेंटर इंचार्ज ने धान गीला होने की बात कहकर धान सुखाने की बात कही, तो टीन शेड में फैला धान दिया, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी के चलते आसमान में मौसम के बदलते रुख को देख किसान काफी चिंतित नजर आए हैं, क्योंकि जिस टीन शेड में धान सुखा रहे हैं वो ऊपर खुला है, जिसमें किसान की सूखी फसल फिर बरसात में गीली होने का खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर मंडी समिति सचिव वर्षा गुप्ता ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, किसानों को सुविधा देने के लिए पूरी तरह प्रयासरत टीन शेड की मरम्मत का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है, शीघ्र दुरुस्त करा दी जाएगी। वहीं धान खरीदी मामले को लेकर किसान यूनियन नेता और अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। जशपुर में धान खरीद शुरू हो गई है और कल ही 16 आरपीओ को कोड भी दे दिया गया है, और इस प्रकार की बात आप कर रहे हैं कि यहाँ पर सुविधाओं का के लिए, तो उसके लिए मंडी सचिव को निर्देशित कर दिया है कि जो दीवार टूटी है उसको पूर्ण करवा लें और जहाँ जहाँ पर टिन सेट में छेद है उसको भी इसकी मरम्मत करवा लें। वो आज इतनी 6-7 तारीख के बाद भी अभी तक सुचारू काम नहीं हुआ, बड़ा दुख का विषय है। सरकारें गंभीर नहीं है किसान के प्रति, और उन्हें किसान को दाबने का और उन्हें जो नीचा लगाने का काम सरकारें नीतियां बना रही है, ये गलत है। अन्नदाता है, अगर अन्नदाता ही परेशान रहेगा तो ना प्रदेश की सरकार सुखी रहेगी ना देश की। क्योंकि तो यहाँ पर व्यवस्था कर दी है, जगह जगह नल लगे हुए हैं, हर सेंटर पे बाल्टी लोटा गिलास वगैरह की हमने सुविधा दी है, और लाइट के लिए हम अभी काम कर रहे हैं, हमने जेई को भी बोल दिया है, वो वायरिंग वगैरह कर रहे हैं, उसमें थोड़ा बस थोड़ा सा काम बाकी है, वो 1-2 दिन में हो जाएगा। जब तक ये रहने वाले धान नहीं तुला, क्या हुआ नरम है धान, कोई सुविधा नहीं है, यहाँ धान फैलाने की सुविधा नहीं है, ऊपर तो खुला हुआ है बारिश का नहीं की, अभी तो आए ही हम। स्टार्टिंग 1 अक्टूबर से कर दी गई थी जो 21 जनवरी तक चलेगी। पहले दूसरे दिन जो धान था वो नरम था, उसको सुखाया जा रहा था, और हमने 3-4 तारीख को जो 2 दिन में खरीद की, 4 किसानों का धान तोला गया है, लगभग 323 क्विंटल खरीद हो चुकी है।